इतना क्वर्की तरीके से बंदा नोटिस करके डर जाए। लो जी क्या कर क्या रहे हो, आप ही के प्लेट लगा रहे हैं। कितने, तीन पीस खाओगे चार पीस खाओगे? किसके? मंचूरियन के। बैटरी देख लो बिल्कुल, मतलब 2% ही हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह नाश्ते में बन रहे हैं राजमा। ये राजमा हम जब जम्मू गए थे तब लेके आए थे, बद्दर भाई राजमा। तुमने कबाब तो नहीं बनाने? नहीं, पहले कबाब बनाने में कल बनाऊंगा ना, आज तो राजमा ही खाऊंगा ना। ये भी बात सही। खीरा गाजर सैलड के साथ राजमा, और चावल भी इधर बन रहे हैं। जिनको बन गए, जिनको चावल खाने का मन है वो चावल खाए। अरे मैंने सोचा वाइट राइस बनाऊं, फिर मैंने कहा चलो ये जीरा राइस ही बनाओ। अभी तो बनने हैं ना, अभी तो मैं 10 मिनट बाद स्टार्ट कर रही हूं। अच्छा ठीक है, राजमा चावल खाए जाए। लो जी ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट कम लंच कम ब्रंच, मतलब दिन की पहली मील। आज थोड़ी ना ब्लोटिंग सी भी हो रही है, दो तीन दिन से ना पता नहीं समझ सा नहीं आ रहा क्या है। और वेइंग मशीन में फिर ब्लोटिंग से थोड़ा वेट भी गड़बड़ हो जाता है। होता है या वेइंग मशीन से या सिर्फ वेस्ट लाइन ही गड़बड़ होती है? हाँ, तो आजकल थोड़ी ब्लोटिंग हो रही है। अब ये दही खा रहे हैं, चटनी, थोड़े से राजमा ना ओवरफ्लो हो रहे थे, फिर चावल इतने बनी गए थे जितना मैंने डाला, तो मैंने चावल को इसमें डाल दिया और राजमा को इसमें डाल दिया ताकि चावल की जगह बन जाए। और नीचे सलाद है, टमाटर घर में ख़त्म हो गए थे, टमाटर मंगवाए। ये ना जब तक अपनी ये चीज़ सुधारनी चाहिए, पहले मैं अपने बाल सुधारूँ। बाल ठीक लग रहा मेरे? बाल हेयर कट करवाऊँ क्या करवाऊँ देखते हैं। चलो आज फिर से सोचते हैं, कल का दिन हमारे पास है पूरा। जेप्टो ना मैं क्या बताऊँ यार, मतलब मैंने जेप्टो से ऑर्डर करा था जब मैंने खीरा भी नहीं काटा था। और जेप्टो की ऐप खोलो ना, दिखाता है अराइविंग इन 4 मिनट, 4 मिनट नाले जैसे गेट पे ही खड़ा सोसाइटी के। ठीक है, मैंने खीरा काट लिया, टमाटर एक हल्का पीस मिल गया फ्रिज में, वो भी टमाटर में डाल दिया, दही खोल के डब्बे में डाल के दही भी डाल दिया, चटनी में डाल दी, चावल की वो मतलब कुकर खोल के चावल भी डाल दिया, सब कर दिया। अभी भी जोमेटो का स्टेटस और जेप्टो का स्टेटस दिखा रहा है अराइविंग इन 5 मिनट। तो मेरे को 10 मिनट हो गए, 4 मिनट बोलता है, 15 मिनट में आता है। सबसे बड़ा झूठिया है जेप्टो हमारे एरिया में। हाँ हमारे एरिया में तो है भाई, ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट बोलता है 4 मिनट, ब्लिंकिट बोलता है 6 मिनट, तो 6 मिनट में आता है। इंस्टामार्ट पहले ही बोलता था मैं 12-13 मिनट में आऊंगा। ये कहते हैं कि मतलब अगर ग्रोसरी 10 मिनट में भी आ जाए वी वेरी मच अप्रिशिएटेड, बट अगर आप 6 मिनट बोल रहे हो कभी कभार आपको, वी आर स्पॉइल्ड बाय द टेक्नोलॉजी, तो हमें 6 मिनट में चाहिए होती है कोई खास चीज़ें। चलो अपना ब्रेकफास्ट कम लंच कम ब्रंच खाते हैं, राजमा डे मनाते हैं आज। ओके जी, आपने सुबह खाए थे राजमा चावल? यस अच्छे से खाते थे। बद्दर भाई राजमा, बद्दर भाई खा जी। अब ये लास्ट पाया था बद्दर भाई राजमा का। यस अब खत्म हो गया, अब हमें नॉर्मल चित्रा राजमा से काम। तमाशी ने फर्स्ट टाइम खाएंगे ये वाले? यस खा लिया उसने भी, खुला दी तूने अच्छे से, टेस्टी बद्दर भाई राजमा। द गुडनेस ऑफ चित्रा राजमा एंड जम्मू राजमा कम्बाइंड रखे हुए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चित्रा राजमा ही आएंगे, बद्दर भाई तो दिल्ली में तो मिलते नहीं है। सब मंगवा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यस मंगवा लेंगे, उसमें क्या बात है। ओके ओके ओके, धान के मंगवा लेंगे। देखा नोटिस आया हुआ है घर में, क्या है यार? सब एड्रेसिंग होम नीड्स, डियर मेंबर इट हैज कम टू ब्ला 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 फलाना फलाना। आप घर के खाने नहीं खाते, बाहर का तक खाते हो, घर का भी खा लिया करो, नोटिस दे दिया उन्होंने। ऐसे क्वर्की तरीके से स्विगी और जोमेटो वाले अपनी ऐड देते हैं ना, इतना क्वर्की तरीके से बंदा नोटिस करके डर जाए। स्ट्रॉज आ रही होंगे, स्ट्रॉज होंगे एक मशीन में, वैसे ही सीजन आ गया ना अब तो, दूसरी वाली स्ट्रॉज होती है ना वो थोड़ी देर ऐसी रहती है, ये सबके लिए स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज आ गई है, दो एक्स्ट्रा। और इसमें देखो ये छोटा सा स्ट्रॉ क्लीनर है, इसको वैसे छोटी सी डंडी सी टाइप की, ये तुम्हारा स्ट्रॉ क्लीन वो आ गया, स्ट्रॉज स्ट्रॉ क्लीनर छोटा सा है, देखा मैंने अभी। ओ ये गिर गई, ओके अच्छा अच्छा अच्छा, टेढ़ा और सीधा दोनों है इसमें, नाइस। हाँ नहीं सही है, ज़्यादा देर तक, और सर्दियों में ज़्यादा यूज, गर्मियों में ज़्यादा यूज़ होती है ये। पेपर वाले वो गल जाते हैं, तो ये अच्छा लगता है। चलो नाइस, गुड स्टोर।
मोजिटो बना के दूँ? तो यूज करने के लिए मोजिटो बना के दूँ या तो? क्या हो रहा है जी? हाँ जी, क्या है फिर? मम्मी पापा का मन ज्यादा हो रहा था नूडल खाने का, तो पापा का मन हो रहा था पापा का मन हो रहा था ड्राई मंचूरियन खाने का, और मम्मा का मन हो रहा था नूडल खाने का। वैसे चाइनीज मम्मा को पसंद है ना बहुत, मम्मा को अच्छा लगता है, तो पापा भी खा लेते हैं। चाउमिन तो बहुत अच्छी लग रही है, मेरा भी देख के मन कर रहा है। चिली गार्लिक चाउमिन मंगवाई है मम्मा के लिए। मम्मा वैसे ज्यादा स्पाइसी खाती नहीं है, बट ये एक्चुअली का जो नॉर्मल हक्का नूडल होते हैं ना, वो काफी ब्लैंड होते हैं, फीके फीके से लगते हैं, तो ये चिली गार्लिक थोड़ा ठीक रहते हैं। जब मुझे खुद को खानी होती है या फिर घर में किसी को स्पाइसी, जैसे भाभी को पसंद है, तो फिर बोल देता हूँ फोन करके स्पाइसी बना दो, वरना जैसे ये बनाते हैं वैसे। और ये पापा के लिए ड्राई मंचूरियन एकदम अच्छे होते हैं। ये अशोक विहार में नूडल हाउस, ये पापा और मम्मा के दोनों की प्लेट लगा देते हैं अभी, मार्केट स्टाइल में ऐसे पकड़ के ना नूडल ऐसे दोनों उससे। यस, ये आज तक कभी नहीं आया मुझे डालना ना, मैं करूँ, ये आता है मुझे। यस गुड, थोड़ा सा डाल देते हैं और बाकी थोड़ा ऐसे रख देंगे। ऐसे इसके साथ में सॉसेस सूसेस होती है, बट ये मम्मी पापा लेते ही नहीं है। विनेगर है, विनेगर तो चिली वो है, और ये वो होता है, नहीं नहीं This is इनकी वो ग्रेवी सी होती है, मोमो टाइप की चटनी टाइप, नहीं ये मंचूरियन की ग्रेवी टाइप होती है, नूडल्स के साथ देते हैं लोग कि किसी को ड्राई ड्राई लगे ना, बड़ी फीकी सी होती है, बोनी सी होती है। ये मम्मा के लिए हो गया थोड़ा सा पोर्शन, एक छोटा सा, बाकी एक्चुअली इनका पोर्शन साइज भी काफी अच्छा होता है नूडल्स का ना। यस, पूरा से टब सा होता है जब मंगवाते हैं। अच्छा, हाफ प्लेट लेते नहीं है, तो जब मंगवाते हैं एक जना मंगवाता है ना, तो बच जाते हैं, फिर फ्रिज में रख देते हैं, अगले दिन फिर से खाते हैं। आई थिंक मम्मा और पापा मिलके भी आई थिंक नहीं खा पाएंगे, ऐसे हो जाएगा क्योंकि दो चीजें हो गई ना। तो ये दो पीस मम्मा को डाल देते हैं मंचूरियन के, और पापा के, पापा फिर इसके साथ क्या लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो निकाल दो। हाँ, तो पापा का ऐसा करता हूँ, मंचूरियन 4 पीस डाल देता हूँ और नूडल्स 2 पीस डाल देता हूँ। आज मैंने पी मोइटो, आज मैंने मोइटो में ग्रीन चिली डाली। चिली तो तुम बहुत वेरिएंट्स करने लग गए मोइटो पे। हाँ, मैंने ग्रीन चिली और उसके अंदर थोड़ी रेड चिली भी डाली, और मैंने नींबू ऐसे पूरा मडल ही कर दिया। 4 ज्यादा हो जाएंगे, पापा को ना 3 देते हैं। 4 हो जाए, आई थिंक डिनर है, खा लेंगे। पापा चाउमिन कम खाते हैं रात में, वैसे मम्मी पापा ना कम खाते हैं, थोड़ा बस ऐसे मुंह चटपटा करने का कभी एकदम मन होता ना। ओके, तो ये लग गई जी हमारी प्लेट्स। लो जी, 2 प्लेटें लगा दी हमने सुंदर विद कोल्ड ड्रिंक। एक को इधर काटा डाल देते हैं। चलो मैं सर्व में लगाती हूं। सुंदर सी प्लेटें लग गई है, ये ट्रे थोड़ी छोटी ले ली। हाँ, लो जी, क्या करके आ रहे हो तुम? आप ही के प्लेट लगा रहे हैं। कितने, 3 पीस खाओगे 4 पीस खाओगे? किसके? मंचूरियन के। आपका खा लूंगा, ये इतने कम कम नूडल्स में डाले हैं भाई। आपका मंचूरियन नहीं, आपका मंचूरियन खाने का मन था तो आपको मंचूरियन ज्यादा, मम्मा का नूडल खाने का मन था तो मम्मा को नूडल ज्यादा। रख रहे हैं कि आप लोग रात में फिर ज्यादा खाते नहीं हो ना, इसलिए रख दिया साइड में, रख दिया प्लेट में कम डाला। अच्छा ठीक है, मासी मेरे को तो बोल रहे थे ना अमेरिकन, वो तेरे से बात कर रहा था, मुझे याद आया। जब पूछने मेरी पापा जी क्या ऐसे मजाक कर रही है, मैं कहा अमेरिकन चॉपसी हुई है, जब नए नए खाने तो चॉपसी का ना हमने फिर वो बना दिया था, जैसे किसी का होता था ना किसी का मजाक उड़ाना या किसी का ऐसे भाई पोपट हो जाए, जैसे आजकल की लैंग्वेज बोलता है पोपट हो जाए, तब बोलते यार तेरी चॉपसी होगी। थोड़ा सा ले लो मंचूरियन नूडल, थोड़ा सा ले लो ड्राई मंचूरियन। अभी आपको तो पसंद है ना, थोड़ा सा ले लो। ब्रेड को क्यों खिला दिया भाई आपने? थोड़ा सा ले आओ, एक कटोरी दीजिए करो। चलो ठीक है, 11 बजने वाले हैं, 4 मिनट है, फटाफट चल के ऑर्डर प्लेस करते हैं। कैशलेस का जमाना है, कैश भी नहीं लेके आए, कार्ड भी नहीं लेके आए, और फोन में बैटरी भी 4% है, और गाड़ी ये नई नई सर्विस होके आई है, और गाड़ी भी नई नई सर्विस होके आई है, तो उसके अंदर भी आईफोन की केबल नहीं है। नहीं नहीं, पास में ही था ना, तो आ गए ऐसे ही आ गए। चलो ब्लूटूथ ऐसे कॉफी लेते हैं एक।
बैठ के तो गए हैं लोग अभी, लास्ट 11 बज गए ना, 11 बजे बंद हो जाता ना इसलिए शाम को तो ठीक है, चला यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, और जब तक मच्छर नहीं काटते तब तक तो ठीक है। अभी तो वैसे ही, प्लस इन्होंने पंखे रखे हुए ना यहाँ पे, ऐसे फिर मच्छर नहीं आते। हाँ नहीं, समर्स के लिए भी ठीक है अगर ऐसे पंखे वगैरह अगर लगा के रखे तो सही है। अच्छा है ये ब्लूटूथ आई पे, पापा मम्मी के साथ आना था यहाँ पे, अब देखते हैं कब आते हैं। अभी तो लेट हो गया ना। हाँ प्लस अभी वो अभी खाना भी खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे। कोई नहीं, कल हम लिटरली निकले मतलब 10 मिनट में यहाँ पे बंदा पहुँच सकता है, इतना पास है घर के। मतलब बहुत पास में बंदा, मतलब जब सोचे सीधा सोचे कॉफ़ी पीने के लिए और पहुँच जाए। वरना फिर क्या होता था, NSP जाओ वो करो, बड़ा आफत होता है। रोहिणी में चीज़ रहती है ना, कुछ ऑर्डर करना है, यहाँ से कॉफी गर्म आती है, वहाँ से NSP से तो ठंडी आती थी ना। ज़्यादा दिन ना बैठ नहीं सकते, यहाँ पे मच्छर काटते हैं। ठीक है, जगह अच्छी बना रखी है। असली ये जगह जो है ना तब चलेगी जब इस दुकान में इस ये जो भी जो जैसे कहते हैं ना वो आउटसाइड फेसिंग जो है ना, ये जब भर जाएगा ना मॉल तब चलेगी। ऊपर का ना भरे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे इस पूरे मॉल में एक तरीके से ये पूरा सेक्टर 14 वाले एरिया है बोरिंग सा, ये मॉल अच्छा बनाया, पर इसमें सिर्फ अभी दो ही काम की चीज़ें हैं बस। कॉफ़ी आ गई, चले बजाज फाइनेंस से नहीं चलने वाला ये। यहाँ पे ये तब चलेगा जब इस पे और इस पे कुछ शोकेस वाला कुछ, एक कोई QSR आए, एक कोई बेकरी टाइप आए, और एक कोई अच्छा सा बैठ के डाइन इन वाला रेस्टोरेंट कैफे टाइप आए थोड़ा, बट ठीक है टाइप कुछ एक और आ जाए। पर रोहिणी में भी अब चीजें बहुत सारी आने लग गई है। रोहिणी वाले बाहर जाते थे, ब्रांड्स को रियलाइज हुआ कि भाई रोहिणी में ही अच्छा मतलब बिजनेस है, तो अब रोहिणी में आने लगती है। वेरी नाइस, गाड़ी की सर्विस हो जाए ना एकदम मस्त चमकती है, और ये वेलकम मैट तो हा हा हा, होते वैसे ये फ्री वाले हैं बट बड़ा अच्छा लगता है इनमें पैर रखना वेलकम मैट पे सर्विस के बाद ना। चलो जी, गाड़ी की सर्विस भी हो गई। अभी पीछे ना दो एक दिन से ना गाड़ी की सर्विस होनी थी तो पेट्रोल भरवा ही नहीं रहे थे, फिर अब जाके भाई ने पेट्रोल भरवाया ना तो लग रहा है हाँ 600 की रेंज आ रही है। वेरी नाइस, बैटरी देख लो बिल्कुल मतलब 2% ही होगी अब।